गुड मॉर्निंग। देखिए जो है अब आज सुबह में जो है नाश्ते में फिर इसी प्रकार टमाटर वमाटर जितने ऊपर चीज सब डाल के धीरे सौंक के फिर नाश्ता बना लिया है। ये चाय है, आधे लोग पी चुके, आगे लोग अभी बाकी हैं तो उठेंगे तब फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। और ये हमारी दाल हो रही है, ये बैठा दिया धीमी आँच पे सब के। और सब्जी जो है ना आज हम लंच में करेले का बनाएंगे, तो करेला हमने जो है ये करेले की भुजिया, तो ये करेला हमने जो है काट लिया है और इसको जो है नमक लगा के ये ऐसे ये इसमें नमक लगा के और बस रख देंगे, तो ये जो है इससे जो कड़वापन है थोड़ा सा वो कम हो जाता है। हम इसी प्रकार भुजिया बनाते हैं, तो भुजिया ही फायदा करती है। कलौंजी वलौंजी तो मतलब कभी कभार बना लीजिए मसाले, और इतनी गर्मी में तो मतलब भुजिया ही बनाएंगे। और इसमें जो है वो प्याज हम ज़्यादा मात्रा में डालते हैं, प्याज जो है 3-4 बड़ी बड़ी प्याज अभी काटेंगे, तो नमक लगा के ढक देते हैं और जब तक चाय और पियेंगे तैयार होंगे तब तक फिर जो है तब तक ये कुछ देर रखा रहेगा, मतलब कि इसको खूब 2-3 पानी से धो देंगे और धोने के बाद फिर तब फिर इसकी सब्जी बनाएंगे। सब्जी भी बिल्कुल सादी बनाएंगे, तो जब बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो बस ये हमने कहा कि इसकी इतना बता दें आपको, तो इस प्रकार आप लोग भी बनाइएगा भुजिया, देखिएगा बहुत अच्छी बनेगी। और तब फिर बताइएगा कि भी हाँ अच्छी बनी, कमेंट में बताया करिए। तो बस अब चलते हैं, पहले चाय और पी लें तब तक ये रखा रहे, और फिर जब बनाएंगे तो फिर दिखाते हैं आपको बताते हैं। तो देखिए अब हमने जो है ना अब करेले की सब्जी हम बनाने जा रहे हैं, तो उसको हमने खूब कई 2-3 पानी से धो के और ऐसे छान दिया है। तो ये देखिए ये छान के इसी तरह छन्नी में छान लीजिए या फिर हाथ से नेचुर रख लीजिए, किसी भी प्रकार हमने छन्नी से कर लिया। और ये प्याज काटे, इसमें प्याज खूब ज़्यादा सर, तो ये प्याज हमने काट के रख लिया। और इसमें बहुत मसाला नहीं पड़ता, बस ये अमचूर है, ये नमक और ये हल्दी और ये धनिया थोड़ी सी। तो बस अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस जला लें, ये गैस जला लिया। अब इसमें हम तेल डालेंगे, ये सब्जी हम सब सरसों के तेल में बनाते हैं, तो ये देखिए तेल थोड़ा इसमें ज़्यादा से डालेंगे तब ये कुरकुरी अच्छी सब्ज़ी बनेगी। अब बहुत ज़्यादा भी नहीं कि एकदम तेल बहने लगे, लेकिन ये कि अब ये तेल गर्म हो जाए बस फिर हम प्याज डालेंगे। प्याज के बाद सब मसाले डाल के और ये करेला डाल देंगे, और फिर थोड़ा मीडियम आँच करके, ना बहुत तेज़ ना धीमी, और फिर इसको बीच बीच में चलाते जाएंगे तो ये सब्जी। और हमने बहुत मतलब पतला पतला काटा है, मोटा मोटा नहीं, तो ये जो है सब्जी हमारी जल्दी से गल जाएगी। और थोड़ा बहुत पानी का छींटा दे सकते हैं, लेकिन जैसा रहेगा उसकी जो सब्जी जैसी रहेगी तो ज़रूरत है कि डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। हाँ तेल गर्म हो गया है हमारा, देखिए इस तरह से होने लगता है ना, तो मतलब तेल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें हम ये प्याज डाल देते हैं, ये सब प्याज डाल दिया। अब प्याज जो है लाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करेला भी इसी में पकेगा ना तो प्याज भी भून जाएगा। बस अब ये थोड़ा सा वो कर लें, फिर मसाला डाल के करेला डाल के बस जो है ढक देंगे। इसी प्रकार मतलब आप भी बनाइए करेले की भुजिया। कलौंजी तो मतलब ये ना कि मसाला तेल इतनी भयंकर गर्मी में, और करेला फ़ायदा करता है, तो ये इस प्रकार की सब्ज़ी ही आपको बहुत फ़ायदा करेगी। और कभी कभी कलौंजी बहुत लोग उसको मरकल कहते हैं, जैसे हमारे गांव में मरकल कहा जाता है, चाहे बैंगन की बनाइए करेले की बनाइए, लेकिन हम लोग जो है कलौंजी कहते हैं। तो उसमें सब मसाले सौंफ फोंफ डाला जाता है और बनाया जाता है, वो भी किसी दिन बनाएंगे तो फिर आपको बताएंगे हम, उसका वीडियो बनाएंगे। तो बस अब ये जो है पहले मसाले डाल दें, ये सब मसाले डाल दें और
फिर करेला डाल दें। एकदम सिंपल इजी तरीका है ये करेला बनाने का। तो ये देख रहे हैं, ये देखिए थोड़ा मसाला हमारा भुनसा भी गया। अब बस ये करेला डाल दी और इसको चला देंगे। अब ये थोड़ा सूखा सूखा सा है ना, तो इसमें थोड़ा सा बहुत हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये तो करेला हमारा अच्छे से पक जाए, मतलब करेले का छिलका कड़ा होता है ना, तो थोड़ा कच्चा ना रह जाए। ये देखिए बस अब इसको हम ढाँक देते हैं और बस गैस धीमी थोड़ा कर। अभी इतना ये करना रहेगा हमको कि थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे और देखते रहेंगे। जब ये करेला गल जाए तो फिर कुछ भून के एकदम और बस गैस बंद कर दीजिए। तो ये देखिए ये हमारी दाल पक गई है। ये हमारी दाल तैयार हो गई और ये चावल तैयार हो गया है। इसे देखें बन गया होगा। चलो ये देखें चावल बन गया। अब बस सब्जी बन जाए फिर मन करेगा तो रोटी दो चार सेक लेंगे, नहीं तो दाल चावल ज़्यादा लोग खाते हैं, रोटी एक ही आदमी लोग खाते हैं, तो बस रोटी सेक लेंगे दो चार तो फिर हमारा खाना तैयार हो जाएगा। और दाल में क्या करते हैं ना, कभी खटाई या ये कच्चा हमारा है ये डाल दीजिए तो स्वाद एकदम बढ़िया लगता है। तो आप लोग भी इसी प्रकार खाना बनाइए दोपहर का, अपना लंच बढ़िया इस प्रकार बनाइए। और आशा करते हैं कि ये हम लोग हमारा दोपहर का खाना आप लोगों को पसंद आता होगा। रोज़ हम बताते हैं क्या बनाया हमने आज, तो इसी प्रकार आप लोग भी बनाइए। तो थैंक यू कहते हैं बस। ये देखिए हमारी जो है करेले की भुजिया एकदम तैयार हो गई। बस इसी अभी थोड़ा तेज आँच करके और भूनना हो तो और भून लीजिए, और नहीं तो वैसे ये तैयार हो गई एकदम। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है और कितनी बढ़िया है। तो इसी प्रकार आप लोग भी बनाइए करेले की भुजिया और दाल चावल रोटी के संग खाइए। बस थैंक यू।